दोस्तों कभी कभी कीचड़ इस हद तक बढ़ जाता है कि उसे साफ करते करते उसके दाग हमारे दामन तक लग जाते हैं। जब बात समाज की आती है तो कभी कभी हमें उस कीचड़ में घुसकर वो गंदगी साफ करनी होती है, जो कि आज मैं उतर आई हूँ इस फील्ड पे। आरती, छोटू मुद्दे पे आज मैं चैप्टर क्लोज करने ही वाली थी। ऑलरेडी मैं उस पर वीडियो बना चुकी थी कि इस मुद्दे पे मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बहुत हो गया। बहुत काफी समय से उस लड़की के ही बारे में बना रही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और वो चैप्टर जैसे मैं क्लोज करने वाली थी, आज मेरे कमेंट सेक्शन पे फिर एक बंदे का ऐसा कमेंट आया कि मुझे मजबूर हो गई कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। और उन बेटियों की इतनी रिक्वेस्ट आई जो आज इस चीज से पीड़ित है, उस कांड के बाद जो उसके परिवार के द्वारा उन बेटियों के साथ किया जा रहा है टॉर्चर, उन बेटियों का इतना रिक्वेस्ट था, इतनी उम्मीदें थी, इतना प्यार था कि मैं इस मुद्दे पे आऊं, तो मैं दोबारा इस मुद्दे पे आई हूँ। तो दोस्तों मैं कह दूं, मुझे वैसे फर्क नहीं पड़ता, कोई गलत कमेंट करता है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत कुछ प्रेरणा मुझे वही लोग देते हैं जो इस तरह के कमेंट करते हैं। वही ये चीज जाहिर करते हैं कि किस चीज में कमी रही, किस चीज में मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, उसी को लेके मैं आगे बढ़ती हूँ। बात आती है एक बंदा, नाम तो उसका चैनल है जैसे कुछ जय हिंद करके, ना चैनल भी नहीं है उसका, खाली जय हिंद उसका नाम आ रहा है इसमें, कोई उसका वीडियो वीडियो मेरे पास आ नहीं रहा है। तो उस बंदे ने जाति मतलब आरती को लेकर और आरती के नाम से मुझे जातिवाचक शब्दों का ऐसा कमेंट किया है जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ऑलरेडी आप पढ़ सकते हो, काफी लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, उसको हिंदी में लिखा हुआ है, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी रखा है, क्योंकि ये चीजें बहुत काम आने वाली है। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन लोगों को निकाल निकाल के जवाब दूं या इनका कमेंट का रिप्लाई करूं, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। जाति सूचक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो कि सोशल मीडिया पे क्या होता है आप जान ही सकते हैं। मायावती, मुझे बोला गया है कि आप मायावती की बिरादरी से हो। क्या मायावती इंसान नहीं है? आप अपने बच्चों को गाइडलाइन देते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप उस कुएं के मेंढक की तरह हो, अंग्रेजों की तरह हो, जिन्होंने जाति और धर्म के नाम पर हमारे देश को टुकड़ों में बांट दिया था। अगर हमारा देश उस समय टुकड़ों में न बटा होता, जाति धर्म के नाम पर न बटा होता, तो हमारे देश को कोई हरा नहीं सकता था। उन अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए भी हमारे देश की झांसी की रानियां, हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं। और आज भी अगर देश में कोई इस तरीके का कांड होता है तो कोई ना कोई उसको एक अवतार ऐसा आएगा कि उस गंदगी को साफ करेगा। उस रूप में मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं नहीं चाहती थी इस मुद्दे पर और आगे बढ़ाऊं, तो मेरी बेटियों का, मेरी बहनों का इतना रिक्वेस्ट आया, इतना प्यार मिला मुझे कि मुझे लगा कि ये चैप्टर क्लोज किए बिना मुझे अब इस हद पे मुझे आगे बढ़ना ही है। ये मेरे लिए एक जंग बन चुकी है, आरती छोटू मुद्दा जो समाज में फैल चुकी है गंद, तो उसके कुछ ऐसे दलाल टाइप के लोग हैं जो बिके हुए लोग हैं उसके हाथों, कुछ ऐसे चैनल के लोग हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि उसके नाम से हम आगे बढ़ जाएंगे। कई लोगों का यह कहना था कि रोटी कमाने के लिए तू उस पे बैठी है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे चैनल पे जब आज से 5-6 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, उसी समय मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका था। अगर मैं चाहूं तो आज ही अपना चैनल मोनेटाइज करा लूं, क्योंकि सब्सक्राइबर गेन करना कोई बड़ी बात नहीं होता। अगर तुम्हारा चैनल है, तुम्हें अच्छी तरह जानते हो, किसी भी रिश्तेदार से करवा लो, लेकिन मेरे साथ जो मेरे पास 100 सब्सक्राइबर भी नहीं थे, 2 ही दिन में मेरे पास 185 सब्सक्राइबर मेरे चैनल में है, तो मैं उन लोगों का धन्यवाद। आज मेरे पास 285 जो सब्सक्राइबर बाद में है, 285 लोगों की फैमिली है, 385 लोग है, और तुम जैसे सुख की औकात याद दिलाने के लिए वो 385 लोग 300 करोड़ से भी ज्यादा है मेरे पास। तो मैं उन बेटियों के लिए, समाज में जब जब गंद फैली है, जब जब अति अत्याचार हुआ है, किसी न किसी रूप में किसी ने अवतार लिया है, तुमने मतलब जो इस टाइप के लोग हैं उन्होंने औरतों को एक कमाई का धंधा बना लिया। औरतें मतलब इस तरीके की औरतें कमाए, दिन में कमाए, रात को उनके हाथ से पिटे और वो गंदगी दिखाएं, इस तरीके की गंदगी दिखाएं, यूट्यूब में फेमस हो जाए, तो जो लोग समाज के लिए अच्छी बातें बोलते हैं उनको आप समझते हो व्यूज के लिए या पैसा कमाने के लिए आए हैं। मेरे घर में 2 रोटियां रोज बनती हैं जो मैं अपने पितृदेवता के नाम से एक निकालती हूँ, एक गौ माता के नाम से निकालू, वो उन पशु पक्षियों के नाम से निकालती हूँ जो भूखे रहते हैं। तो 2 रोटियां, इंसान 2 ही रोटियों में पलता है। ये जो गाड़ी बंगला आप लोग बना लोगे तो आपके मरने के बाद वो यहीं रह जाना, नहीं जाना आपके साथ। तो आप लोग किसी को रोटियों पे ताने ना दें, हो सका है तो किसी भूखे को रोटी दे दे तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। जब हमारे बेटियों के लिए आप कुछ अच्छा कर नहीं सकते, गंदगी क्यों उनको ये चीजें फैलाने पर ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं? कोई ना कोई ऐसा आएगा जो आपके गंद को रोकने जरूर आएगा। मैं जिस दिन सोशल मीडिया पे आई थी, तो मैंने उस दिन 17 सालों से मैं इस
प्लेटफॉर्म से दूर रही थी, मैं समाज से दूर रही थी, राजनीति से दूर रही थी। 17 साल बाद जब मैंने सारा ये यूट्यूब, जब भी मैंने सोशल मीडिया पे आई, मैंने गंदगी देखी, मुझे लगा कि आज हमारे समाज के लिए एक आवाज उठाने वाला जरूरी है, और हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसके माध्यम से हम एक कर सकते हैं। आज बिहार की बेटियां मुझसे जुड़ रही हैं, कई देशों से, हमारे कई देशों के हिस्सों से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। आप जाके मेरे कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हो। जब मेरा वीडियो वायरल गया उसी दिन कई मतलब हजारों कमेंट मेरे पास ऐसे आए जो इस गंदगी के खिलाफ लड़ना चाहते थे। सोशल मीडिया से अच्छा प्लेटफॉर्म है ही नहीं। एक मैम का कमेंट आया था कि आप वीडियो बनाने के बजाय इस पे कार्रवाई करो। ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है। बबीता मिश्रा जी, जब उन तक मेरा वीडियो पहुंचेगा तो मैं चाहती हूँ जब भी सपोर्ट की जरूरत होगी हम उनके साथ कानूनन और सामाजिक दोनों लड़ाई में उनके साथ होंगे। बीना मानवी जी को जब भी जरूरत पड़ेगी पब्लिक महिला शक्ति दल की, हम उनके साथ हर तरीके से खड़े रहेंगे। जरूरत है मेरे देश की बेटियों को आज इस वीडियो को शेयर करने की, क्योंकि आप एक ऐसा माध्यम है। आप इस वीडियो को अगर जितना शेयर करेंगे मेरे देश की हर बेटी तक पहुंचे, हर बिहार में इसके खिलाफ आवाज उठाने वाली एक लड़की पैदा होनी चाहिए। इस तरीके के गंदे कमेंट से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मैं मोटिवेशन मिलता। मैं निगेटिव सोच को मैं अपनी जिंदगी में कभी लाई ही नहीं। हमेशा मुझे पॉजिटिव, हर निगेटिव चीज से मैंने एक पॉजिटिविटी को फेस किया है। हर निगेटिव चीज जब भी मेरे साथ गलत होता है तो मैं उसमें से गलत चीजों को अलग कर देती हूँ और उसमें से अच्छी चीजों को, भले ही कम हो, उनको अपने पास रख लेती हूँ। यही आपके निगेटिव कमेंट से मेरे साथ हुआ कि मुझे डबल एनर्जी मिली है कि मैं आपके लिए और ज्यादा शक्तिशाली बन के आऊं। जब भी इतिहास गवाह है इस बात के लिए, जब भी महिषासुर पैदा हुए हैं तो हर एक नारी कालिका का रूप धारण कर लेती। जब भी किसी महिला पर अत्याचार होता है, जब भी किसी महिला को प्रताड़ित किया जाता है तो कालिका का रूप धरने में पीछे नहीं होती है। मैं भी उनमें से काली, मैं हजारों कालिकों को जन्म दे सकती हूँ। झांसी की रानी और माँ दुर्गा का रूप भी हमारे इतिहास का गवाह है कि आप जैसे राक्षसों का खात्मा करने के लिए हर महिला को एक शक्तिशाली रूप में आना पड़ा। मेरे बिहार की बेटियों को, मेरे पूरे देश की बेटियों को, मेरे भारत देश की बेटियों को आज आगे आना है अपने अधिकारों के लिए। आरती के लिए आवाज उठानी है, आरती के जो गलत कारनामे उसके लिए आवाज उठानी। मैं नहीं चाहती थी, चलो जो हो गया हो गया, सोशल मीडिया पर तुम इतना गंद फैला रही हो, तुम अपने गुंडों के माध्यम से मुझे कमेंट करवा रही हो कि तुम जाति, मतलब अब मैं इन शब्दों को कहना नहीं चाहती हूँ, मेरे समाज के हित के लिए नहीं है। क्योंकि जब आपकी सोच इतनी कई सदी पीछे चली गई तो आपको क्या बोलूं। आज का समाज तरक्की कर रहा है, लोग आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, बड़े बड़े नेता हैं, क्या उनके बीच में आप जातिवाद को लाएंगे? जाति के नाम पर मतलब आप दलित वर्ग इस तरीके का वो कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ, मैं तो कहती हूँ मत दीजिए आप आरक्षण। सिविल कोड लागू हो गया, सब समान है, लोग अपनी क्वालिटी के हिसाब से आगे बढ़े, अपने परसेंटेज के हिसाब से आगे बढ़े, ना कि अपने जाति धर्म के नाम से। जाति धर्म के नाम पे लड़वाने वाले आप होते कौन है? आप इस देश को टुकड़ों में पहले अंग्रेजों को कर चुके हो, आज भी तुम चाहते हो कि ये देश टुकड़ों में बट जाए, जाति के नाम पे बट जाए, समाज टुकड़ों में बट जाए, ताकि दूसरा लोग हमारे देश में फिर से आके आक्रमण करें और हमारी महिलाओं के साथ वो अत्याचार करें। मैं जब तक मैं हूँ, मैं जब तक बोल रही हूँ, आप मेरी बहनों ने मुझे बहुत हिम्मत दी, उन्होंने बोला दीदी आप कर सकती हो, आप में वो चीज़ है, आप बोल सकती हो समाज के हित के लिए। दोबारा उनकी हिम्मत से आप मैं डबल एनर्जी के साथ आई हूँ। मैं कुछ भी कह लो, मैं आपके कमेंट का जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूँ, लेकिन बहुत बहुत मैं आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से आज मैं दोबारा रिटर्न आई हूँ। अगर हिम्मत है तो भाई फेस अपना दिखा के मेरे पास आओ, जैसे मैं फेस दिखा रही हूँ कैमरा से। मुझे डर नहीं है आप मेरे लिए क्या कर लोगे, क्या कौन सी कार्रवाई कर दोगे, मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि मैं अपने समाज के हित के लिए कदम उठा रही हूँ। आप जैसे गद्दार है हमारे देश में जो गंदगी फैला रहे हैं, तो मेरी महिलाओं की इतनी टीम है कि आपके जूते मार मार के वहां पे सकल ऐसा कर देगी, दोबारा आप शीशे में अपने को देखने लायक नहीं रहोगे आप लोग। तो मेरी बेटियां जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, जिनकी उम्मीद है मुझसे, जो चाहती है मैं हक के लिए लड़ूं, और मैं हर उस पेरेंट्स से कहती हूँ हाथ जोड़ के, अपनी बेटियों को आरती न समझे, ये उम्मीद न करे, बेटियों को इतनी छूट दें कि उन्हें आप पे आपको भरोसा हो। काफी ऐसा हुआ, समाज डगब गया है, पेरेंट्स की चिंताएं बढ़ी अपने बच्चों के प्रति, जो कि जायज है, बिल्कुल रियल है। लेकिन मैं उन बेटियों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो श्रद्धा कांड हुआ या जो आरती कांड हुआ, अनुष्का कांड हुआ, उस चीज के मद्देनजर पेरेंट्स की भी चिंताएं बढ़ी हैं। तो पेरेंट्स को कभी ऐसा मौका ना दें कि वो आप पे सवाल उठाएं,
और जो लिव इन रिलेशनशिप जैसे घटनाएं चल रही, सरकार ने इसे मान्यता दिया, बहुत गलत है मेरे समाज के लिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं बिल्कुल भी। और उन बेटियों से कहते हो इन चीजों से बचे, क्योंकि जब तक आपका करियर जब शुरुआत का होता है, आप उस समय इन चीजों में घुस जाते हैं, तो लाइफ फिर आपकी बहुत बदल जाती है। जिंदगी भर दुखी दुख मिलता है। जो समय होता है आपका पढ़ाई का, आपका तरक्की का, आगे बढ़ने का, उसको उसी में लगाए, ना कि अपनी गलत चीजों में लगाए। अभी मैं ISPCS जो टॉपर से उनकी एक वीडियो में जरूर देखती हूँ। माननीय हमारी दिव्या तनवर जी, हमारे देश की सबसे छोटी बच्ची है जिसने फर्स्ट रैंक में, फर्स्ट प्रयास में ही IAS का टॉप कर लिया था। मैं उनकी लाइफ से बहुत प्रेरणा लेती हूँ। मैं अपनी बेटियों को मोटिवेशन देना चाहती हूँ। गरीब या जाति या किसी भी मतलब कैटेगरी को लेके ना चलें। और आप में, अगर आप गरीब भी, आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर वो जज्बा है, उस जज्बे को जगाइए, कामयाबी पाइए। कोई चीज आपके लिए मायने नहीं रखती है। ये सब चीजें देखिए, बहुत पिछड़ चुके हैं, पिछड़े वादों को मत ले जाइए। इस तरीके के लोग मैं जानती हूँ जो इस तरीके के जाति सूचक या इस तरीके के शब्दों का यूज कर रहे हैं, तो उनका एक ही लक्ष्य होता है कोई आगे इस चीज के प्रति सवाल ना उठाए। आज उनका डर उनके कमेंट में मैं देख चुकी हूँ। वो डर चुके हैं कि एक औरत जब सोशल मीडिया में इस तरीके से धड़ल्ले से बोल रही है, तो भाई पता नहीं हम पे कौन सा गाज गिरा देगी। उनका ये डर है जो इतना गंदा कमेंट करवा रहा, वरना उनकी कोई औकात नहीं है कि वो मुझे इस तरीके के कमेंट करे। उनका डर मेरे सामने आ चुका है। जो करना है कर लीजिए, खुला आम है। और बीना मानवी जी, बबीता मिश्रा जी, हम उनके साथ खुला आम है। जिस दिन भी हमारा उनसे आमना सामना हुआ लाइफ में, तो मैं हम जरूर सपोर्ट करेंगे। जब भी आएगी तो मेरा महिला मंच हमेशा सपोर्ट करेगा उन्हें। और मेरे से, और सबसे बड़ी बात, कई सोशल वर्कर, कई समाज सेविका मुझसे जुड़ी है, मेरे भाई जुड़े हैं, मेरे समाज के अच्छे सम्मानित व्यक्ति मुझसे जुड़ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरे देश में एक ऐसा जुनून पैदा हो उन महिलाओं के लिए, जो अपने हक के लिए किसी से गिड़गिड़ाए ना, भीख ना मांगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ना ना पड़े उन्हें, अपने अधिकारों को अपने हक से ले, अपने बिल्कुल एक स्वतंत्र नागरिक की तरह ले, ना कि उन्हें भीख में वो चीजें मांगनी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको लगता है कि चैनल में कुछ ऐसा है, मैं समाज के लिए कुछ कर रही हूँ अच्छा, तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को इतना शेयर करें कि ये बात किसी एक परेशान महिला तक पहुंचे, या मेरे देश के उस सम्मानित व्यक्ति तक पहुंचे। उस तक ये बात पहुंचाने के लिए आपका प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप इससे मेरी बात को आगे तक पहुंचा सकते हैं। आपके साथ मैं हमेशा रहूंगी, हमेशा सुख दुख में मैं आपका सपोर्ट करूंगी। मेरा लक्ष्य यूट्यूब से जो पैसा कमा रहे हो, किस अगर मैं कमाना चाहूँ तरीके और भी हैं। मैं इस मुद्दे पे कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, कहने वाले कहते रहते हैं। ऑलरेडी मेरा चैनल वॉच टाइम फुल हो चुका है, सब्सक्राइबर ही नहीं। वो मैं कर सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे आप लोगों का प्यार ने इतना ज्यादा इमोशनल कर दिया कि मुझे इस मुद्दे पे दोबारा ये वीडियो डालनी पड़ी। और जब तक ये मुद्दा क्लोज नहीं होता, इसको मैं बोलते रहूंगी। अब लगता था नहीं बोलूंगी इस मुद्दे पे, अब मैं बोलूंगी, क्योंकि मैंने कई लोगों के चैनल देखे हैं इसी टॉपिक पे। आरती का वीडियो उठा के डाल दे रहे हैं, बेरोजगार भाई भाई, उनको कमाने का एक जरिया मिल गया, कोई गलत नहीं है इसमें। हमारे सरकार ने उन्हें जॉब नहीं दी, आरती एक ऐसा मुद्दा बन गई कि उसकी वीडियो से कमा रहे हैं, लेकिन मैं उसका वीडियो नहीं डाल रही हूँ। उसकी हिम्मत नहीं है मुझे कुछ कर ले। ये मेरा खुद का कंटेंट है जो मैं अपने समाज के लिए, वो एक उदाहरण बन गई है कि समाज में उसने गंदगी फैलाई, उस गंदगी को खत्म करने का मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुना है, जिसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तभी मेरी बात वहां तक पहुंचेगी। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।